नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। किसान दिवस में जिलाधिकारी द्वारा किसानों की समस्याओं का किया गया अनुश्रवण। उन्नाव जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता व पूर्व विकास अधिकारी श्री दिव्यांशु पटेल की उपस्थिति में विकास भवन सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। किसान दिवस में जनपद के सभी विकास खंडों से प्रगतिशील किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने किसान बंधुओं को अवगत कराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को किसान दिवस आयोजित किया जाता है। ये किसानों से संवाद, शिकायतें व सुझाव आदि प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। उन्होंने कहा कि इस दिवस को महज औपचारिकता नहीं बल्कि फलदायी बनाया जाए। उन्होंने किसान बंधुओं की समस्याओं का अनुश्रवण करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाए। किसान दिवस में प्रतिभाग करने वाले किसान बंधुओं विभिन्न अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित केंद्र एवं प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान उपनिदेशक कृषि मुकुल तिवारी ने बताया कि जिन किसान भाइयों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, वे किसान भाई अतिशीघ्र अपना ई-केवाईसी करा लें, अन्यथा उनकी सितंबर माह में आने वाली किस्त बाधित हो सकती है। इस पर जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के समस्त प्रसार कर्मियों को निर्देशित किया है, जिन किसानों के ईवाईसी नहीं हुई है उनके घर घर जाकर ई-केवाईसी सुनिश्चित कराई जाए, ताकि जनपद का कोई भी किसान इस कल्याणकारी योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे। डीएम द्वारा किसान दिवस में किसानों की कुल 19 शिकायतों का अनुश्रवण किया गया तथा उनके गुणवत्तापूर्ण निदान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए किसानों को उनकी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराने हेतु आश्वस्त किया गया। किसान दिवस में जिला कृषि अधिकारी कुलदीप कुमार मिश्र, भूमि संरक्षण अधिकारी अशोक कुमार सहित मंडी समिति, सिंचाई, नहर, विद्युत, सहकारिता, फसल बीमा, बैंक आदि विभागों के संबंधित अधिकारीगण तथा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।